कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद साहब। आज हम लेक्चर नंबर 7, बेटे जनरल एंट्रीज में लेक्चर नंबर 7 करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पीछे लास्ट 6 लेक्चर्स जो लिए बेटे, पहले 4 में तो बड़े बेसिक लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स बताया, फिर फोर्थ लेक्चर में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया, फिफ्थ क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चन कराया दो अलग अलग मेथड से, और बेटे आज 6th क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन कराया, आज मैं 3rd क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बेटे उम्मीद है कि आपको जो जो मैं बता रहा हूँ जनरल एंट्रीज में, वो आपको सब समझ आ रहा है कि जनरल एंट्रीज में मेथड्स क्या होते हैं। मैं आज हल्का सा रिवाइज करूंगा बेटे, आज का लेक्चर नो डाउट हम अकाउंटिंग इक्वेशन के मेथड से करने वाले हैं, बट मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने यूट्यूब में डायरेक्टली यही लेक्चर देखा हो, तो 2-3 मिनट में एक बार मैं रिवाइज करूंगा, तब तक आप रजिस्टर ओपन कर लें। बेटे बेटे बैठने का तरीका मैंने बता दिया, लेक्चर नंबर सेवन है बेटे, आज 7 तारीख है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आज हम 7 तारीख की बात करेंगे, और हम बहुत खुश होकर, बहुत जॉली नेचर से और बहुत चेयरफुल होकर इस लेक्चर को अटेंड करेंगे। कहते हैं कि जब भी हम कोई अच्छा काम करें बड़ों का, जिसको भी आप बड़ा मानते हो, वैसे इस दुनिया में कहा गया है कि पेरेंट्स जो हैं वो सबसे बड़े होते हैं, भगवान से ऊपर का स्थान पेरेंट्स का है, तो आप अपने पेरेंट्स को जरूर नमस्कार करें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे प्यार से आशीर्वाद लेकर बेटे जब हम करते हैं तो उस काम में बरकत पड़ती है, काम अच्छा हो जाता है। तो लेक्चर नंबर 7 रजिस्टर ओपन कर लीजिए, आप सभी जो जनरल एंट्रीज को सीखने के इच्छुक हैं, मैं भूपेश आनंद आपको ऐसे लॉजिक्स बता दूंगा, ऐसे कंसेप्ट बता दूंगा जो आज तक आपने कभी सीखे नहीं होंगे, ना भूतो ना भविष्यति, ना भूत में कोई हुआ ना भविष्य में कोई होगा, बेटे मैं इस तरह के लॉजिक्स बताऊंगा। मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में अपना ही तो लॉजिक बताया, अपने मेथड से ही तो हमने जनरल एंट्रेंस पास की, अब पेपर में ये थोड़ी वो कहेगा कि आप जनरल एंट्रेंस अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड से फॉलो करो या आप ट्रेडिशनल अप्रोच से फॉलो करो, बेटे आपको माइंड में क्या चल रहा है वो नहीं वो देख सकता। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर आप पहला मेथड पहला लेक्चर 4 ही समझ चुके हैं तो बाकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो दोस्तों मैं आप सबको आज के लेक्चर में ग्रेट मॉर्निंग करना चाहूंगा, जल्दी से मेरे बेटे रजिस्टर खोलें, बुक खोलें और हम शुरू करेंगे कहानी किस्मत की आज से, बेटे लेक्चर नंबर 7। बेटे आज हम झंडे गाड़ देंगे बेटे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बेटे अपनी माँ को जय करेंगे, अपनी भारत माँ को जय करेंगे। और उसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 3, बेटे हम जो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ये अमेरिकन अप्रोच से करने वाले हैं बेटे, अमेरिकन अप्रोच से करेंगे, ठीक है जी, अमेरिकन अप्रोच। जल्दी से रजिस्टर खोल लीजिए, बेटे मेरे को उम्मीद है कि आपने रजिस्टर ओपन कर लिया होगा। और मैं आपको सबसे पहले आज जो दिखाना चाहता हूं आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हम जो करने वाले हैं, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। बेटे शाहरुख खान का क्वेश्चन है, फरवरी के महीने की आपको ट्रांजैक्शंस दी हुई है और आप देखिए 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपको अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस दी है। अब ये ट्रांजैक्शंस होती क्या है ये मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बिजनेस में आपको क्या लगता है कि किस तरह की ट्रांजैक्शंस होती होंगी आपके हिसाब से, आप मुझे बताइए जी, आपके हिसाब से कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में होती होंगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्त। एक हमने बिजनेस स्टार्ट किया, लेट इट बी एनी यू नो अ ट्रेडिंग कंसर्न मान ले,
आप नेरोलैक पेंट्स मान लें, आप डाबर मान लें, आप पतंजलि मान लें, आप इंफोसिस मान लें, आप एसीसी सीमेंट ले लें, जेके सीमेंट ले लें, मैं कहता हूँ आप किसी भी कंपनी, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देख लें, सर्विस इंडस्ट्री को देख लें, लार्सन टोरबो को देख लें, आप ब्यूटी पार्लर शहनाज हुसैन की सर्विस को देख लें। बेटे कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। बेटे बिजनेस को हम चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बेटे फोर पार्ट्स में, बेटे चार पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। बेटे एक तो होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो कुछ मैन्युफैक्चर करती है, जैसे छोले भटूरे वाला मैन्युफैक्चरिंग है, मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चरिंग है, नेरोलैक पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बेटे एक होती है सर्विस इंडस्ट्री, जो कुछ सर्विसेज देते हैं, जैसे HDFC बैंक, जैसे दिल्ली मेट्रो। बेटे ये सर्विसेज दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये आपको आपको सेवाएं दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं चार तरह के इस दुनिया में बिजनेस हो सकते हैं। फोर्थ है बेटे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टोरबो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स। और बेटे लास्ट है जॉब एंड बैच। जैसे आप अपना एक सूट सिलवाते हैं और बुटीक वाली को देते हैं, या आपने किसी पार्टी को में अटेंड होना है और आप वंदना लूथरा के या किसी मेकअप आर्टिस्ट के यहाँ जाते हैं, तो बेटे ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। लेकिन मैं ये कहता हूँ किसी भी तरह का बिजनेस हो, आपको क्या लगता है कि उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती होंगी? बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास कैश होना चाहिए, या बैंक बैलेंस होना चाहिए, या कुछ एसेट्स होने चाहिए। उसके बाद हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं, जैसे मारुति की बात करें, तो बेटे हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, कुछ वर्कर्स भी होने चाहिए जो हमारे को वो प्रोड्यूस करें, मशीन्स होनी चाहिए बेटे, मशीन्स होनी चाहिए, और फिर उसमें प्रोडक्शन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। बेटे ये सारे तरीके होंगे तभी तो एक बिजनेस चलेगा। अब जब हम जो भी एक्टिविटी करेंगे, हम जो भी कुछ करने वाले हैं बेटे, इसमें पैसे लगेंगे, गुड्स खरीदेंगे, गुड्स बेचेंगे, वेजेस पे करेंगे, रेंट रिसीव करेंगे, रेंट पे करेंगे, कई बार ओनर विड्रॉ करेगा, कई बार मशीनरी खरीदेंगे, कई बार गुड्स रिटर्न होंगे, हमें पैसे देने पड़ेंगे, क्रेडिटर से कई बार फुल सेटलमेंट करनी पड़ेगी, हम कई बार डेटर से फुल सेटलमेंट करेंगे। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने 28 लेक्चर लिए, ये सारी बातें मैंने बताई, और पीछे जनरल एंट्रीज के जो 6 लेक्चर्स अगर आप यूट्यूब में देखें, ये सारी बातें बताई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भूपेश आनंद, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बेटे मैं इस समय जो मेथड कर रहा हूं उसका पता क्या नाम है? अकाउंटिंग। बेटे उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। बेटे उस मेथड का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। ये जो मेथड है, ये जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, बेटे इसमें मैंने आपको दसियों बार बता दिया कि ये एक इक्वेशन होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इज इक्वल टू एसेट्स। बेटे ये अमेरिकन अप्रोच है, ये अप्रोच ये कहती है कि अगर आपको 5 तत्व, बेटे उस दुनिया के 5 तत्व हैं, हमारी बॉडी भी 5 तत्वों से बनी है, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात, मेथड की बात करें जनरलिटीज को पास करने के लिए, तो कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड इनकम्स। बेटे ये 5 तत्व हैं जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन के मेथड से हम बड़ी से बड़ी जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको एक बात और पता हो, जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में हर क्वेश्चन में बताई, कि आपको इनका नेचर पता होना चाहिए। बेटे हर किसी का नेचर पता होना चाहिए। आपके घर में कुत्ता है, बेटे कुत्ते का भी तो नेचर आपको पता है कि ज्यादा तंग करेंगे तो काटेगा, उसका नेचर पता है, आपको नेचर पता है ना? तो बेटे हर किसी का एक नेचर होता है। जैसे एसेट्स का नेचर क्या है बेटे? डेबिट नेचर, डेबिट बैलेंस इन नेचर, डेबिट बैलेंस इन नेचर। जैसे मैं कहता हूं कि आप कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, आपका दोस्त ही है बेटे, आप बताओ आपका जो दोस्त है उसका भी तो नेचर आपको पता है कि उसको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज गंदी लगती है, बोलो हाँ या ना? तो नेचर बेटे, एसेट्स का डेबिट नेचर होता है,
और कैपिटल और लायबिलिटीज का, कैपिटल और लायबिलिटीज का क्रेडिट बेटे, क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस बैलेंस क्रेडिट बैलेंस इन नेचर होता है। अगर हमें इतना पता है तो बड़े से बड़ी काम कर सकते हैं बेटे। एसेट्स में हम दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें बेटे, एसेट्स का जब डेबिट नेचर होता है तो इसका मतलब जब एसेट्स बढ़ेंगे 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 इंक्रीज होंगे तो मेरे बच्चे हम डेबिट करेंगे, और जब मेरे एसेट्स कम होंगे घटेंगे घटेंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। इसी तरह से अगर कैपिटल या लायबिलिटीज बढ़ेंगी बढ़ेंगी हाँ बढ़ेंगी बढ़ सकती हैं तो हम क्रेडिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटे कैपिटल और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस ही नेचर होता है। और अगर ये घटेंगी घटेंगी सर ये स्पेलिंग क्या है हिंदी में क्या लिख रहे हो घ ट टे एक ही मात्रा गी घटेंगी तो हम बेटे डेबिट करेंगे। बेटे मूल मंत्र है बस। और मैं तो कहता हूँ ये चारों याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खाली इतना पता है कि ये एसेट्स का डेबिट बैलेंसिंग नेचर है बाकी ऑटोमेटिकली खुद ही होना शुरू हो जाएगा। और किसी भी ट्रांजैक्शन में हम दो एलिमेंट्स को देखते हैं, दो कीवर्ड्स को देखते हैं और उन कीवर्ड्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में फिट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो कीवर्ड बढ़ रहा है या घट रहा है और बैलेंस के हिसाब से उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। इतना मुश्किल है ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं जनरल इंटरेस्ट का। वो मैंने बताया हुआ कि हम एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे और उस फॉर्मेट के बेसिस में हम चलेंगे। ये फॉर्मेट है बेटा, मैंने दसियों बार बता दिया ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं। अब इस फॉर्मेट में हमें क्या करना पड़ता है एक नरेशन लिखनी पड़ती है, नरेशन लिखनी पड़ती है। नरेशन नरेशन का मतलब क्या होता है जो आपने एंट्री पास की उसकी समरी लिखनी पड़ती है। बेटे आप मुझे बताओ जब आप किसी को SMS करते हो या आप किसी को WhatsApp करते हो बिल्कुल ईमानदारी से बताना क्या आप पूरा सेंटेंस लिखते हो? जैसे आपको उसको कुछ कहना है तो आप पूरा लिखते हो या आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो? बेटे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। और क्या लगता है जब आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तो सामने वाले को समझ आता है या नहीं? बेटे बिल्कुल समझ आता है। इसी तरह से जब भी आप जर्नल एंट्रीज की नरेशन लिखेंगे, समरी लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, कारण लिखेंगे तो उस कारण के अंदर आपने एक लाइन में एक सेंटेंस में उन कीवर्ड्स को यूज करना है, बीइंग से शुरू करना है कि हमने ये किया ये किया। तो बेटे मुश्किल नहीं है, आपको ग्रामर इंग्लिश छोड़ दीजिए, आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते उस ट्रांजैक्शन को देखते हुए कि उस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था? बस बेटे वही नरेशन है। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी के साथ चलने वाला हूं। और बड़ा ही आज हम लेक्चर नंबर 7 कर तो रहे हैं लेकिन बेटे आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हैं और मैंने आज एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, इसलिए आपको मेरी क्लास आज बड़े ध्यान से सुननी पड़ेगी क्योंकि मैंने अब एक्सप्लेनेशन लिखी नहीं है क्योंकि आपके हाथ पक्के हो गए बेटे। हाँ मैं समझाऊंगा लिखवाऊंगा लेकिन मैंने पहले से नहीं लिखी तो थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आप मिस कर दें। तो आपका ध्यान से बैठना बड़ा जरूरी है बेटे। तो पहले एंट्री फरवरी 1 की बेटे बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ रहे हैं, आपके हाइलाइटर्स बाहर हैं, आपके पास पेन है और आपके इरादे बुलंद हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शंस वो इवेंट होते हैं, वो हादसे होते हैं जिससे मेरे एसेट्स की लायबिलिटीज की कैपिटल की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। फर्स्ट फरवरी 1 शाहरुख खान स्टार्टेड बिजनेस। बेटे शाहरुख खान बेटे मैंने जान के नाम हीरो हीरोइन के रखे हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको दिल की बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद बनाए, मैंने जो मार्केट में अवेलेबिलिटी थी उनको कट पेस्ट किया और बनाए। लेकिन इस बात का दावा है कि अगर आप ये ध्यान से कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी बुक कोई भी टेस्ट आप दे पाएंगे क्योंकि मैंने हर चीज को इंक्लूड करके ये बादाम रोगन प्रिपेयर किया है। तो बेटे पहली एंट्री शाहरुख खान स्टार्टेड बिजनेस विद ₹25,000 डिपॉजिटेड विद बैंक। बेटे जैसे सेंटेंस पढ़ा आपके माइंड में ट्रिगर होना चाहिए कि ऐसे कौन से दो अक्षर हैं जो आपके लिए बड़े प्रीशियस हैं, ऐसे कौन से दो वर्ड्स हैं, ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से दो पार्ट्स हैं जिनका आप आने वाली जनरल एंट्री में प्रयोग करेंगे। बेटे एक है शाहरुख खान और एक है बैंक। बेटे बैंक का बैलेंस बड़ा है
क्योंकि शाहरुख खान ने अपनी कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बैंक में इंट्रोड्यूस कर दिया, बैंक का अकाउंट खोल दिया, फेडरल बैंक में गया, फेडरल बैंक का अकाउंट खोल दिया बेटे, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर होता है, जब एसेट बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, बस इतना भी समझ लिया तो आपको अब खुद पता चल जाएगा क्रेडिट किसको करना है। बेटे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, करेंगे क्यों नहीं करेंगे बेटे, आपको समझाने के लिए मैं क्यों नहीं करूंगा, सोचने की बात है। देखिए मैं भूपेश आनंद अगर इसको लिखूं बेटे, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, मैं फरवरी 1 की इक्वेशन लिख रहा हूं। ये शाहरुख खान है, ये शाहरुख खान ने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए बेटे, मान लेते हैं फेडरल बैंक है, मान रहे हैं बेटे, बैंक तो कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं फिरंगी बैंक है, फेडरल बैंक है, इसमें अकाउंट ओपन किया। अब बेटे अकाउंट तो तभी होगा ना जब ये पैसे जमा कराएगा, तो बेटे कितने पैसे इसने अपनी जेब से दिए, 25,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। इसका मतलब बैंक एसेट है बेटे, बैंक एसेट है, बैंक एसेट है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। जब बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा और बैंक एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस इन नेचर होता है, तो बैंक को डेबिट ही तो करेंगे। अब दूसरा शाहरुख खान को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन बेटे क्रेडिट नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। अब मेरे को इससे पता चल गया, जुगाड़ किया कि बैंक डेबिट होगा तो शाहरुख खान क्रेडिट होगा, लेकिन लॉजिक समझना है। शाहरुख खान ओनर है बेटे, मैंने आपको बताया था कि ओनर जब भी आपको पैसे देगा या आपके बैंक आपके बिजनेस से पैसे लेगा, तो बेटे आपने ओनर का नाम नहीं यूज करना, उस रीजन को लिखना है, उस वजह को लिखना है। तो बेटे यहां पर हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को ओपन करेंगे। अब जब मैंने पैसे इंट्रोड्यूस किए शाहरुख खान ने, तो उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा, सोच के बताइए बेटे। उसके कैपिटल का बैलेंस, उसने जो पूंजी लगाई उससे कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? बेटे बढ़ेगा, कैसी बातें करते हो। और जब बढ़ेगा तो बेटे इसका नेचर क्रेडिट बैलेंस इन नेचर होता है, और क्रेडिट करेंगे, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बेटे आराम से देखो, मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया, वो बात अलग है कि मैंने अब एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में फरवरी 1 की एंट्री करने जा रहा हूं। शाहरुख खान स्टार्टेड बिजनेस विद 25,000 डिपॉजिटेड विद बैंक, तो मैं लिख रहा हूं बैंक, बैंक अकाउंट, थोड़ी सी बिंदी, डेबिट। बेटे डेबिट, बेटे निकनेम लिखते हैं डीआर। और बेटे आपको पता ही है कि क्रेडिट हम थोड़ा सा साइड होकर हट के लिखते हैं, तो मैंने यहां से शुरू किया, टू थोड़ा हट के लिखा, टू कैपिटल। अब आपको पता है मैं क्यों लिख रहा हूं कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। बेटे अभी लेजर फोलियो का कोई इस्तेमाल नहीं है, आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि इसका क्या यूज होगा, अभी इसको ऐसे रहने दो, ये नाराज है हमारे से कि मेरा यूज नहीं कर रहे, मेरा यूज नहीं कर रहे। हाँ लेजर फोलियो तेरा अभी यूज करेंगे ना, थोड़ी देर की बात करेंगे ना लेजर फोलियो, अभी तू चुपचाप बैठ जाना लेजर फोलियो, प्लीज चुप हो जाना। 25,000 रुपए से हमें डेबिट करना है बैंक को, और कैपिटल को 25,000 रुपए से क्रेडिट करना है, और इसकी SMS जैसी, WhatsApp जैसी शॉर्ट सेंटेंस लिखना है। तो मैं लिखने जा रहा हूं बीइंग कैपिटल, और ये सेंटेंस आपको उसी ट्रांजैक्शन से मिल जाएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, खत्म, ब्रैकेट लगाने और इसके नीचे एक डंडी मारनी, डंडे हाँ बेटे क्लोज करने के लिए, कि पहली ट्रांजैक्शन हमने उसकी नरेशन भी लिख दी, जनरल एंट्री भी लिख दी, अमाउंट भी लिख दिया, और हम अब दूसरी ट्रांजैक्शन को करने के लिए तैयार हैं। तो बेटे आओ दूसरी ट्रांजैक्शन एक बार देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम नीतू, बेटे नीतू से, बेटे नीतू, नीतू, नीतू कौन है, शाहरुख खान की दोस्त होगी, हमें क्या लेना है बेटे, हमें क्या लेना है, नीतू कौन है, नीतू को हमने, हमने उससे गुड्स खरीदी। अब आप ये बताइए मेरे को ईमानदारी से,
यहाँ पर दो अक्षर कौन से हैं? मैंने गुड्स खरीदी नीतू से, बेटे नाम लिखा हुआ है किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, तो मैं यहाँ पर ये नहीं मान सकता कि कैश में खरीदी है। अगर हाँ नीतू का नाम ना लिखा होता, खाली लिखा होता परचेज गुड्स रुपीज 13,000, तो मैं दूसरा अक्षर मान लेता कैश, दूसरा वर्ड मान लेता कैश, दूसरा एलिमेंट मान लेता कैश, लेकिन यहाँ पे मैं मान नहीं सकता है। थोड़ी हर चीज को मानते जाओगे बेटे, मानना तब है जब क्वेश्चन साइलेंट हो, हीरो हीरोइन से कुछ ना बोल रहा हो, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तू मेरा और मैं तेरी हो गई। बेटे एग्जामिनर आपको यहाँ इशारा दे रहा है कि नीतू से खरीदी है। अब बेटे अगर और कुछ नहीं बताया गया तो मैं तो मानूंगा कि नीतू से मैं तो बेटा अज्यूम करूंगा कि नीतू से मैंने उधार में सामान खरीदा है। मेरी बात आप समझ लें, मैंने नीतू से उधार में सामान परचेज किया है। तो जल्दी से एक सेकंड लगाकर आप उसकी एंट्री पास करें। बेटे मैं एक बच्चा कह रहा था एक्सप्लेन की उसकी भी दे दो। हाँ बेटे क्यों नहीं दूंगा, अगर आप कहेंगे और आपको अच्छी लग रही है तो मैं दूंगा ना। ये देखो परचेज गुड फ्रॉम नीतू, परचेज गुड फ्रॉम नीतू, तो मैं कहता हूं जी गुड्स, गुड्स और नीतू, पहले तो बताओ दो अक्षर है, दो वर्ड्स है, दो एलिमेंट्स है, इसका मतलब मेरे को या तो गुड्स को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। अगर एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी एज पर डबल एंट्री सिस्टम। मैंने गुड्स खरीदी, मैंने गुड्स खरीदी, मैंने गुड्स खरीदी, तो बेटे गुड्स मेरे पास आई, चाहे मैंने उधार में खरीदी या कैश देकर खरीदी उसका कोई मतलब नहीं है, बट मैंने गुड्स को परचेज किया। बेटे जब गुड्स को परचेज करते हैं तो गुड्स का बैलेंस बढ़ता है, गुड्स एसेट है बेटे, वस्तु है, और जब ये वस्तु है तो एसेट है, एसेट है तो डेबिट नेचर का बैलेंस है, और अगर ये बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब ये घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि हम गुड्स को डेबिट करेंगे, और इसको मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के मेथड में फीड कर देता हूं। बेटे ये देखो बेटे ये आ गया। अब बेटे गुड्स भी एसेट है और गुड्स बढ़ रही है, इसलिए गुड्स को मैं डेबिट करूंगा, लेकिन बेटे मेरे पास उसकी वजह से कैश नहीं आया। और आप ये बताइए क्या कोई सामान फ्री में मिल सकता है? तो मुझे मुझे मैंने मैंने गुड्स नीतू से खरीदी तो मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे ना, मैंने उधार में खरीदी ना बेटे, इसका मतलब उधार का मतलब कर्ज में खरीदी, और जब कर्ज लेकर खरीदी तो बेटे मैं क्रेडिटर बन गया, मैं अपनी किताबों में उसको लायबिलिटीज दिखाऊंगा, बेटे मैं क्रेडिटर बन गया, और जब मैं क्रेडिटर बन गया तो आप बताइए मुझे क्रेडिटर शो करना पड़ेगा या नहीं शो करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा बेटे, बेटे क्यों नहीं शो करना पड़ेगा? मुझे नीतू का नाम लिखना पड़ेगा, मेरे को नीतू सिंह एक तो पहली बात हो गई, ये लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज बढ़ेगी क्योंकि कर्ज बढ़ गया, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए जब कर्ज बढ़ेगा तो मैं क्रेडिट करूंगा। और बेटे वैसे भी अगर आप जोहार से देखते, जब आपको पता चल गया कि गुड्स डेबिट कर रहे हैं या गुड्स डेबिट होंगी क्योंकि वो एसेट्स और उनका बैलेंस बढ़ रहा है, तो इट इज बट नेचुरल दैट नीतू सिंह विल बी क्रेडिटेड। बट बेटे आपको जुगाड़ से नहीं चलना बेटे, अभी लॉजिक लगाना ना, बेसिक फाउंडेशन अगर हमारी अच्छी होगी, सीमेंट अच्छा होगा, अगर बांगड़ सीमेंट लगाएंगे अपनी बिल्डिंग में तो बेटे बिल्डिंग 5 मंजिला बनेगी, आपने बांगड़ सीमेंट लगाना है। आइए आइए हम इसकी एंट्री कर डाले और हम देखें कि हम क्या एंट्री पास करने वाले हैं। बेटे बेटे तारीख आ चुकी फरवरी 1 से हम लिख चुके हैं फरवरी 2 परचेज गुड्स फ्रॉम नीतू। आओ बेटे मैं आ गया फरवरी 2 परचेजेस। आपको पता है कि मैं परचेजेस क्यों लिख रहा हूं? मैंने बहुत बार बोल दिया कि गुड्स खरीदते हैं या गुड्स बेचते हैं, तो उस रीजन को लिखना है, उस हादसे को लिखना है, उस कॉज को लिखना है।
हमने गुड्स परचेज की और हम परचेजेस अलग लिखेंगे, सेल्स को सेल्स बुक में लिखेंगे, जिससे कि लास्ट में हम प्रॉफिट और लॉस निकालने, हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट और लॉस निकालने की जरूरत ना पड़े। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है जब हम परचेजेस को परचेजेस में लिखते हैं और सेल्स को इकट्ठा कर देते हैं सेल्स में। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब मेरे पास जगह नहीं थी ऊपर वाली लाइन में, तो मैंने अकाउंट नीचे लिख दिया। आपके पास जगह होगी, आप एक ही लाइन में लिखे परचेजेस अकाउंट डेबिट, और फिर क्रेडिट के लिए थोड़ी सी जगह नीचे लिख लें टू, थोड़ा सा हटके लिखना बेटे, स्पेस देकर लिखना है टू नीतू। नीतू बेटे हम उस पर्सन का नाम लिखते हैं, वो हमारी, अब हम उसके क्रेडिटर बन गए बेटे। हमने उससे कितने का सामान खरीद लिया नीतू से, ए नीतू, नीतू तेरे से हमने कितने का सामान खरीदा। नीतू कहती है 13,000 का खरीद लिया शाहरुख, 13 का खरीद लिया शाहरुख। हमने कहा अच्छा नीतू, तो अब बेटे इसकी नरेशन लिखनी पड़ेगी, व्हाट्सएप वाली इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, बी परचेज ऑफ गुड्स, बी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीतू। मैं फिर कहता हूं आपको नरेशन लिखते समय घबराहट नहीं होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ो, उसमें जो दो कीवर्ड है उनका इस्तेमाल करो और जो हुआ है वो लिख दो। ग्रामर इंग्लिश की टेंशन मत लो। आपके व्हाट्सएप करते समय अपने दोस्त को जब आंसर लिखते हो तो ग्रामर और इंग्लिश का ध्यान देते हो, ब्रैकेट क्लोज करो और द एंड करो, द एंड का मतलब लाइन डालो टोटल। बेटा मैं रुक गया हूं, भले ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि भाई ट्राई तो कर ही लेना, जिन बच्चों ने ट्राई किया वो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि मैं सारे रीजंस उनको जो बता रहा हूँ उनको समझ आ रहे हैं। बेटे कुछ करने से ही कुछ मिलता है, आप सोचे कि बस खाली लेक्चर अटेंड कर लें, लिख लें, काम हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बेटे जब तक खुद नहीं मरोगे, खुद मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा, किसी और के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। बेटे आप खुद एक्सरसाइज करोगे, खुद जिम में जाओगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी या दूसरे की बनेगी, तो खुद मरना पड़ता है बेटे, जिम में जाना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आइस की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तभी वीक नहीं होगी। तो बेटे एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। तो आइए मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ। बेटे फरवरी फर्स्ट में ट्रांजैक्शन हुई, सेकेंड में हुई, थर्ड में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, फोर्थ में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, फिफ्थ में भी नहीं हुई। बेटे हम जनरल बुक में, प्राइमरी बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जो चीज पहले होगी उसको पहले लिखेंगे। जैसे मान लो फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले हुई पहले लिखो, जो बाद में हुई बाद में लिखो, उसको इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो। अब बेटे फरवरी 6 में मैं आ गया।